जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, जो सूर्यदेव 14 मार्च 2024 बृहस्पतिवार को दोपहर में 12:46 पर कुंभ राशि में विराजमान थे, अब वो सूर्यदेव कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में 14 मार्च 2024 बृहस्पतिवार के दिन 12:46 पर ही प्रवेश कर जाएंगे। और प्रवेश करते ही सूर्यदेव, क्योंकि राहु के साथ जाके बैठेंगे तो नेचुरली एक तरफ राहु और सामने से केतु, दोनों के दोनों उनको डस लेंगे, ग्रहण लगा देंगे। और ये स्थिति किस प्रकार से हम सभी लोगों को, क्योंकि जहां पर भी ये बैठेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारी जन्म कुंडली में भी जाकर ये घटना घट रही होगी, तो किस प्रकार से हमें अपना फल प्रदान करेगी, वो फल शुभ होगा या अशुभ होगा, इस सब की जानकारी मैं सभी व्यक्तियों को देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं। और इसके साथ ही सबसे पहले मैं उन सभी भक्तगणों को जिनका आज मैरिज एनिवर्सरी है या बर्थडे है या फिर कोई विशेष दिन है उनकी लाइफ का, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, उन सभी व्यक्तियों को मैं गुरु रजनीश ऋषि अपनी तरफ से, स्वामी राज ऋषि की तरफ से एवं इस शनि पीठ के पीठाधीश भगवान शनि देव की तरफ से शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की निरंतर वर्षा होती रहे, इस बात के लिए हम सब आपको आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले यह सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है मीन राशि के अंदर, वो मीन राशि का जब राशि परिवर्तन हुआ था तो उस समय आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या है, उसकी चर्चा सबसे पहले मैं आपको करना चाहूंगा कि आसमान में ग्रह किस प्रकार से बिखरे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, केतु महाराज कन्या राशि में विराजमान है, वक्री गति से चल रहे हैं। मंगल देवता अभी तक तो अपने उच्च के घर में विराजमान है, साथ ही साथ शनि देव जी अपने ही घर में विराजमान है मगर अस्त हैं। ध्यान रखिएगा, शुक्र देवता शनि देवता के साथ ही कुंभ राशि में विराजमान है और बुध देवता के साथ सूर्यदेव और राहु महाराज तीनों के तीनों मीन राशि में जाकर विराजमान होंगे। देखिए स्थिति इस घर की बहुत खराब है। कारण क्या है? न मीन राशि का घर है, राहु वहां पहले से बैठे हुए थे, डस रहे थे मीन राशि को, अब सूर्यदेव आ गए तो सूर्यदेव को भी ग्रहण लगाएंगे। और बुध देव तो मीन राशि में वैसे ही नीच के हो जाते हैं, सूर्य और बुध को केतु महाराज भी डस रहे हैं, ग्रहण लगा रहे हैं। तो ये स्थिति निश्चित रूप से जहां जहां घटित हो रही है, अलग अलग कुंडली में अलग अलग जगह पर घटित होगी, मैं अभी उस सब की चर्चा करने जा रहा हूं। और साथ ही साथ चंद्र देवता और बृहस्पति देवता ये दोनों मेष राशि में जाकर विराजमान है इस समय पर, मगर ये एक अच्छा संयोग भी है जो आपके दुर्भाग्य को कम करेगा, क्योंकि चंद्र देवता और बृहस्पति देवता का एक साथ जाकर बैठना गज केसरी योग का निर्माण करता है और ये योग निश्चित रूप से आपके लिए मंगलकारी है। ऊपर से मंगल देवता वैसे ही अपने उच्च के घर में बैठे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा शुभ योग है, ये भी मंगलकारी है। शनि देव जी अपने घर में बैठे हैं तो ये भी एक शुभ योग है, ये मंगलकारी है। तो आप लोग ग्रहों की स्थिति को अच्छी तरह समझ गए होंगे और जिस समय ये घटना घटेगी उस समय आसमान में मिथुन राशि उदय हो रही होगी। मेरा नाम सादिया बीबी है, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं ट्री में रहती हूँ। मेरी शादी में काफी दिक्कत आ रही थी, मेरी शादी जो है वो लव मैरिज है, मेरे जो हस्बैंड है वो इंडियन है। और फिर मैंने गुरुजी से बात की थी और उन्होंने मुझे रिंग पहनने को बोला था और उपाय भी बताए थे, फिर मैं वैसे ही करती गई जैसे मुझे गुरुजी ने कहा था। और आज उनकी बदौलत आज मेरी मैरिज हो गई है, आज हमें 9 साल हो गया हमारी मैरिज को। जय शनि। बात करूंगा मैं धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, यानी सैगिटेरियस साइन वाले व्यक्तियों के बारे में, यानी धनु राशि वाले व्यक्तियों, आपके जीवन में ये सूर्य बुध और राहु में से जो सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ है और ये तिकड़ी, ये तिगड़ा,
यानी तीन ग्रहों की जो युति बनी है वो युति बन रही है आपके घर पर, आपके वाहन पर और आपकी माता वाली जगह पर, आपकी मदर पर। अब ऐसी स्थिति में इन तीनों जगह पर आपको नुकसान होने की बहुत अधिक संभावना है। साथ ही साथ आपके कार्यस्थल पर, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, वहां पर भी आपके दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये आप मुझसे लिखवा लीजिए, इस समय आपके लिए समस्याओं पर लगातार आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। तो ऐसी समस्याओं से बचने का प्रयास करिएगा। पहले से ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये समस्या आपको आने वाली है, तो इस समस्या से बचने का उपाय करिएगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाइएगा ताकि अगर ऐसी कोई समस्या आपके मकान पर कोई खतरा हो, आपके वाहन पर कोई खतरा हो, या आपकी माता के ऊपर कोई खतरा हो, या आपकी नौकरी पर या व्यापार पर कोई खतरा हो, तो आप उसे संभाल सकें, समय रहते संभाल लें, और जो परेशानियां आपको ऊपर आने वाली हैं वो आपको बगैर कोई विशेष हानि पहुंचाए गुजर जाएं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो भगवान शनि देव के आदेश के अनुसार हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में, जो हर शनिवार को एवं हर शुक्रवार को मेरे द्वारा यानी गुरु रजनीश ऋषि के द्वारा या स्वामी राज ऋषि के द्वारा जो जनता दरबार लगाया जाता है, उस जनता दरबार में आप स्वयं आइए, हमसे मिलिए। मगर आना स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे मिलिए, हम आपकी परेशानियों को समझेंगे और अपने 36 साल के अनुभव के आधार पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो छोटे से उपाय हैं, उन उपायों के द्वारा आपको मदद पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे, ताकि आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य शीघ्र ही आ सके। तो फिर देर किस बात की है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर जनता दरबार के लिए अभी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और हमसे मिलकर अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें, अपने ग्रहों को ठीक करने का प्रयास करें। और इसके साथ ही उन सभी भक्तगणों के लिए मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि हमारे शनि पीठ मंदिर की तरफ से एक नई वेबसाइट अभी लॉन्च हुई है, जिस वेबसाइट का नाम है www.marriagebiodata.app, यानी www.marriagebiodata.app। इस बायोडेटा पर वो सभी युवक युवतियां जो शादी योग्य हो रखे हैं या उनके माँ बाप या उनके भाई बहन, अपनी पसंद के हिसाब से एक अच्छा बायोडेटा तैयार कर सकते हैं उनकी शादी के रिश्ते के लिए, जहां पर आपको बायोडेटा बनाने के लिए सजेशन भी मिलता है। और ये वेबसाइट हमारी शनि पीठ मंदिर पर भगवान शनि देव के आदेशानुसार तैयार की गई है। तो इस वेबसाइट पर जाकर अगर आप एक अच्छा बायोडाटा ढंग से बना लेते हैं और उसको अपने होने वाले जहां पर भी आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं उन लोगों को देते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रेस करने में सफल सिद्ध हो सकते हैं और अपने लिए खूबसूरत सा एक अच्छा योग्य, अपनी उम्मीद से भी अच्छा जीवन साथी प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जय शनिदेव।